अरविंद केजरीवाल। आज यहाँ पे एकत्रित हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। अभी एक दो दिन से लगातार मेरे पास मेरे घर पे आप में से कुछ लोग आ रहे थे, आप भी गए थे और भी कुछ लोग गए थे। और सबका ये कहना था जी हमारे घर टूटने वाले हैं और एनडीएमसी ने ये ऑर्डर जारी किया, ऑर्डर की कॉपी लेके आए थे। तो मैंने उनको आश्वासन दिया था कि मैंने कहा कि चिंता ना करो, हम टूटने नहीं देंगे। तो उस आश्वासन पे पूरा यकीन नहीं हुआ सबको, तो मैंने कहा कि आप ऐसा करते हैं, शनिवार को सारे जने आपके एरिया में ही आते हैं। आज आपके सामने चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, एसडीएम भी बैठे हैं और जितने एनडीएमसी के डायरेक्टर हैं सारे आए हुए हैं। और सबके तरफ से हम आपको ये आश्वासन देना चाहते हैं कि ये फिलहाल जो ऑर्डर है इस पे तुरंत रोक लगाई जाती है। कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। दूसरी चीज, अभी जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, इस ऑर्डर का बैकग्राउंड ये है, हमारे पास आप ही लोगों में से कुछ लोग आते थे जो ये बताते थे जी यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो कई कई सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल एक दो या दो चार लोगों ने आके आपके बीच में एनक्रोचमेंट करी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके साथ पूरी धुनी पिस जाए। तो मैंने अभी चेयरमैन साहब को कहा है भाई आप ऐसे ऑर्डर मत निकालो कि धोबी घाट की एनक्रोचमेंट दूर की जाएगी, ये ऑर्डर मंजूर नहीं है, ये वाला ऑर्डर। हम ऐसा करते हैं कि जो जो ऐसी हर धोबी घाट पे जो एक दो अगर किसी ने एनक्रोच कर रखा है उसकी पहले लिस्ट बना लेते हैं, वो लिस्ट पब्लिक करेंगे, आपसे सबसे पंचायत बिठा के सबसे चर्चा करेंगे कि भाई ये दो चार ऐसे हैं इनको हटाएं कि ना हटाएं। चर्चा करने के बाद जब सारी पंचायत कहेगी भी हाँ जी ये तो गलत है, इसको हटाना चाहिए, तभी हटाएंगे, नहीं तो नहीं हटाएंगे। उनका मन नहीं कर रहा क्या भाई, जनतंत्र है, जनता में, जनतंत्र में तो जनता का शासन होता है, अफसरों का शासन नहीं होता। तो आपके हिसाब से होएगा, ये चिंता जब तक मैं हूँ इसकी चिंता मत करना, ना तो आपके घर टूटने देंगे ना आपका रोजगार जाने देंगे। दूसरी चीज, अभी इसका बिल का कह रहे थे, ये बिल पहले आपका डोमेस्टिक आया करता था 350 रुपए, उसके बाद 2013 में इसको कमर्शियल कर दिया गया, जिसकी वजह से आप लोग इसको कई सालों तक भर नहीं पाए, वो बिल जमा होते गए 4 करोड़ रुपए बन गए। वो 4 करोड़ रुपए तो माफ करा दिए, लेकिन मेरे को ये याद आ रहा है कि जो आपके जो कमर्शियल किया गया था धोबी घाट के लिए अलग से, कमर्शियल से कम लेकिन डोमेस्टिक से थोड़ा सा ज्यादा एक अलग रेट बनाया गया था, वो अभी चेक करा लेते हैं, अगर नहीं होगा तो इसके ऊपर भी हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पिछला माफ करने का नहीं तो फायदा नहीं हुआ। अभी ये पिछला माफ किया फिर और जमा होता जाएगा, फिर एक साल बाद फिर माफ करना पड़ेगा, इसका कोई फायदा नहीं है। एक महीने का 80,000 का बिल है, ऐसा नहीं होता, इसको करा देते हैं। जो आपके शेड बनाने हैं तो वो ऑफिसर है जो शेड बनाएंगे, कौन है? सिविल डिपार्टमेंट। कब तक कर देंगे शुरू? दो महीने में शुरू हो जाएगा, दो महीने में आपके शेड का काम शुरू हो जाएगा। बाकी अभी चेयरमैन साहब का बहुत अच्छा आइडिया था, एक धोबी घाट पे मॉडर्न मशीनें लगा के देखते हैं ताकि आपको उससे और ज्यादा सुविधा हो सके, अगर वो सक्सेसफुल होगा तो सारे धोबी घाटों में। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी अफसरों का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आप सब लोग आए।